Welcome class 2. This is your tier 4 unit A video of verbs. Okay? So now we are going to start verbs. Verbs kya hote hain? First of all we should read this. A verb is a word of action. Verb kya hota hai? Ek word of action hai. जो भी हम एक्शन करते हैं उसको वो डिनोट करता है, उसको वो एक्सप्लेन करता है. इट टेल्स अस व्हाट अ नाउन डज और सेज. वर्ब हमको बताता है कि एक नाउन एक पर्टिकुलर थिंग क्या कर रही है या क्या आपसे कह रही है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन टॉक अबाउट A child cries. एक बच्चा रो रहा है. Means a child cries. A monkey chatters. A monkey chatters. Means एक monkey chatter कर रहा है, अपनी sound निकाल रहा है. तो किसी भी एनिमल की साउंड आप ले सकते हैं, वो भी आपका वर्ब है क्योंकि वो भी तो कोई काम कर रहा है ना, वो भी बोल रहा है, आपसे कुछ कह रहा है. और एक बच्चा रो रहा है तो वो भी कुछ कर रहा है, वो रो रहा है, हंस रहा है. तो अ चाइल्ड क्राइज, अ चाइल्ड इज स्माइलिंग, अ चाइल्ड इज वीपिंग, अ चाइल्ड इज स्लीपिंग. तो ये सब आपके क्या है? वर्ब्स हैं. अ मंकी चैटर्स, अ काउ मूज, a cat squirrel squeaks, a rat squeaks. तो जो इस तरीके के आपके वर्ड्स हैं ये सब आपके किसमें इंक्लूड होते हैं? वर्ब के सेम वर्ड्स में, कि वर्ब आपकी क्या कह रही है या क्या कर रही है. हेयर इन योर बुक इटसेल्फ इट इज शोन. सी ऑन पेज नंबर 8 एक्शन वर्ड्स आर गिवन. डॉग्स डिग, कैट स्नैप, बनीज हॉप, birds flap, fish swim, hamster spin. Okay, and some action verbs like I am skipping, he is jumping, I was chasing, he was running, they were playing, they are yelling, oh no, the bell is ringing. तो इस तरीके से ये सब क्या है? आपके verbs हैं. Now the very important thing which we need to remember is that a very important thing is a verb must agree with the noun it talks about. जो verb किसी जिस noun के बारे में बात कर रहा होता है वो उससे agree करना चाहिए. Agree करने का मतलब क्या होता है? कि वो उसके साथ होना चाहिए और साथ में सही से होना चाहिए. मतलब कि यहाँ पर हमारा है, जब भी हम singular noun के बारे में बात करते हैं, नाउन में हमारे कुछ भी हो सकते हैं, लाइक गर्ल्स हो सकती हैं, बॉयज़ हो सकते हैं, या हमारा जो आप कहते हैं जिसको कि मीन्स कोई भी नाउन्स हो सकती हैं. तो उसी तरीके से हमें क्या करना होता है कि जब हमारे नाउन सिंगुलर हो, जैसे कि मंकी है, जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, मंकी है. ठीक है, अब मंकी का वर्ब क्या होता है? चैटर. तो जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी. मतलब वर्ब में एस या ई एस लगा होगा. तो जब नाउन सिंगुलर होगी तो वर्ब में ऐसा ई एस होना जरूरी है. तो मंकी, अब मंकी क्या करता है? चैटर करता है. तो हम लिखेंगे चैटर्स. हमने लिखा चैटर्स. आपने यहां पे देखा हमने एस लगाया. तो जब आपकी नाउन सिंगुलर हो तो आपका वर्ब प्लूरल होना चाहिए, उसके साथ एस या ई एस लगा होना चाहिए. दूसरा केस, जब आपकी नाउन प्लूरल हो, जब आपकी नाउन प्लूरल हो, जैसे कि गर्ल्स, जब आपके नाउन के साथ एस या ई एस लगा हो तब आपको वर्ब को सिंगुलर रखना है. वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगेगा. जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं गर्ल का, तो हम लोग गर्ल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गर्ल्स. अब गर्ल्स अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, गर्ल्स डांस ऑन द स्टेज. तो गर्ल्स है तो गर्ल्स क्या आएगा उसके साथ?
डांस आएगा, ना कि डांसेस आएगा। अगर यहाँ पे गर्ल होता तो डांसेस आता, अगर गर्ल्स है तो डांसेस, गर्ल होता तो डांसेस आता, और यहाँ पे गर्ल्स है तो डांस आएगा, गर्ल्स डांस ऑन द स्टेज। ओके, गर्ल्स डांस ऑन द स्टेज, इस तरीके से आपके सेंटेंस होते हैं। तो लेट्स सी एग्जांपल, हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक बार आपको सेंटेंस के फॉर्म में हम शो कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ सी द फर्स्ट सेंटेंस, जो अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, फर्स्ट केस क्या होता है हमारा, अगर हमारे नाउन सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। नाउन है हमारा गर्ल, तो गर्ल डांसेस ऑन द स्टेज, ये हमारे रूल नंबर वन के हिसाब से सेंटेंस बन गया। गर्ल नाउन है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल लगेगा। कर नाउन है, सिंगुलर है, तो वर्ब प्लूरल लगेगा। अब इसी जगह अगर हमारा ये गर्ल्स हो जाता, नाउन हमारी प्लूरल हो जाए, तो वर्ब हमारा कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा, गर्ल्स डांस ऑन द स्टेज। अब ये रूल नंबर टू के हिसाब से आ गया, गर्ल्स डांस ऑन द स्टेज। यही आपको ध्यान रखना है, पूरे आपके यूनिट के वर्ब्स में हमने यही पढ़ा है। ओके, थैंक यू।